जानी नुकसान हुआ बर वक्त मजाक अलग मैंने जानी नुकसान जो जीने वाले थे उसे तकलीफ नहीं हुई बर वक्त कार्रवाई होने से जो है अलहमदिल्ला हमारे फायर वालों का भी बहुत ताउन है पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर साहब का भी बहुत ताउन है या महल्ले के जमात के लोगों का भी बहुत बड़ा ताउन था इसमें पूरे लोग पूरे बस्ती के लोग जो है ना मिल के जो है ना ये आग को बुझाए कारपेटर साहब अलहमदिल्ला जो है ना सलीम भाई आपकी भी है अच्छा भाई ये वो सड़ा बोलिए मैं दुकान बंद करके गया था घर पे जाके खाना खाने के लिए बैठा कोई मेरे को फ़ोन करे कि आजू बाजू वाले भाई आपकी दुकान के ऊपर से शॉर्ट सर्किट हुए जैसा आग वगैरह पकड़ी थोड़ा फ़ौरन आई है आप तो, मेरी दो दुकान छोड़ दे के उसके बाद उससे एकदम धुआं आना चालू होगा उसके बाद में मेरी दुकान को एकदम आग लगना चालू हो गई देखा तो क्या अगर पकीटा वगैरह लेके पानी वगैरह यूज़ करे उसके बाद फायर पिट वगैरह आए बुझाना चालू करें माल का वर्थ बता सकते हैं कितना नुकसान हुआ आपका
करीब 4 से 5 लाख रुपए का। आपकी दुकान, सलीम साहब आपकी दुकान का? अल्हम्दुलिल्लाह दुकान का तो ज्यादा नुकसान नहीं, बाहर का जो है ना सीलिंग वगैरह जली हमारी, अंदर जो है ना पूरा धुआं वगैरह पूरा अंदर आ गया था। आपकी दुकान का नाम? हुदा कलेक्शन है हमारी दुकान का नाम, जो फैयाज भाई की दुकान के बाद फेरोज भाई के बीच में दुकान है, उसके बाद हमारी दुकान है। भाई शटर उठा के देखा तो अंदर धुआं भरा हुआ था, सारा धुआं था। ऊपर जाके मैं, दो मेरे डोर है ऊपर के, ओपन कर दिया डोर, धुआं पास हो गया। फिर उसके बाद नीचे आ गया, हम हमारा थोड़ा बहुत माल निकाल लिए सेफ्टी तौर पे, निकाल के अपना शटर डाल दिए, वो लोग फायर ब्रिगेड वाले वाटर डाल के जो है ना बुझा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जानी नुकसान तो नहीं हुआ कुछ भी, अल्लाह का एहसान, खुदा कलेक्शन का अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुकान पूरी, दुकान तो पूरी सिर्फ काला ही काला नजर आ रहा है। नाइस बैंगल से एक शटर है, दो है आपके? मेरा एक ही शटर है। 5 दुकान है और 2 दुकान है किसके? फैयाज भाई की एक दुकान है बाजू की, फैयाज भाई की दुकान में भी बाजू से, जो फेरोज भाई की दुकान से आग लगने से क्या हुआ बोले तो प्लास्टिक पिघल के थोड़ा सा उधर से भी आने की चांसेस थे, उतने में मालूम पड़ा तो फैयाज भाई वगैरह सब लोग आके अपना माल पूरा दुकान में से निकलवा लिया। मेरी दुकान तो ज्यादा फेरोज भाई का नुकसान हुआ, ज्यादा तो फेरोज भाई की दुकान का माल खराब हो चुका है पूरा, दुकान नाम को नहीं दिख रही है।